उपन्यास का नाम बिल्लेसुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। भाग 13। त्रिलोचन दूसरे दिन आए और कहा, बिल्लेसुर तैयार हो जाओ। बिल्लेसुर ने कहा, मैं तो पहले से तैयार हो चुका हूं। त्रिलोचन खुश होकर बोले, तो अच्छी बात है, चलो। बिल्लेसुर ने कहा, भैया, मन्नी की मौसिया सास की भतीजी की ससुराल में एक लड़की है, कल आए थे, बातचीत पक्की कर गए हैं, अब तो मुझे माफी दीजिए। त्रिलोचन नाराज होकर बोले, तो ब्याह जरूर गैतल होगा, वैसी ही लड़की होगी, हम शर्त बदकर कह सकते हैं। मुस्कुराकर बिल्लेसुर ने जवाब दिया, और तुम्हारा दूध का धोया है? मन्नी की मौसिया सास की भतीजी की ससुराल की लड़की में दाग है और तुम्हारी में, जिसके न बाप का पता, न माँ का, न गांव का, न संबंध का, मखमल का झब्बा लगा है। त्रिलोचन बढ़कर बोले, देखो फिर पीछे पछताओगे। पछताने का काम ही नहीं करते, बहुत समझकर चलते हैं त्रिलोचन भैया। बिल्लेसुर ने कड़ाई से जवाब दिया। त्रिलोचन बोले, अच्छा चलकर जरा लड़की तो देख लो, तुम्हें लड़की भी दिखा देंगे। बिल्लेसुर ने कहा, अब लड़की नहीं, लड़की की आजी तक को दिखाओ तो भी मैं नहीं जाऊंगा। जब घर में अपने नातेदारों में लड़की है तब दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, यह तो धर्म छोड़ना है। गृहस्थ की लड़की का रूप नहीं देखा जाता, गुण देखा जाता है। कहते हैं रूपवती लड़की बद चलन होती है। त्रिलोचन ने कहा, तो यह तेरे लिए सावित्री आ रही है, देख ले अगर गांव के धिंगरों से पीछा छूटे। बिल्लेसुर ने कहा, यह सब हमें मालूम है, लेकिन घर का सामान लेकर भाग न जाएगी, देख लेना, जो मुसीबत पड़ेगी झेलेगी। किसी का धर्म बिगाड़ने से नहीं बिगड़ता, गांव में सबका हाल हमें मालूम है। त्रिलोचन ने कहा, तू सबको दोष लगा रहा है। बिल्लेसुर ने उत्तर दिया, मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, सच सच कह रहा हूं। त्रिलोचन ने कहा, अच्छा बता हमें क्या दोष लगा है, नहीं तो। बिल्लेसुर ने कहा, तुम चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं चौकीदार के पास जाता हूं। चौकीदार के नाम से त्रिलोचन चले। करुणा भरे क्रोध से घूम घूम कर देखते जाते थे, बिल्लेसुर अपना काम करने निकले। भाग 14। कार्तिक लगते मन्नी की सास आई, कुछ भटकना पड़ा, पूछते पूछते मकान मालूम कर लिया। बिल्लेसुर ने देखा, लपक कर पैर छुए, मकान के भीतर ले गए, खटोला डाल दिया, उस पर एक टाट बिछाकर कहा, अम्मा बैठो। खटोले पर बैठते हुए मन्नी की सास ने कहा, और तुम खड़े रहोगे? बिल्लेसुर ने कहा, लड़कों को खड़ा ही रहना चाहिए, आपकी बेटी हैं तो क्या, जैसी बेटी वैसे बेटा, मुझसे वे बड़ी ही हैं, आप तो फिर धर्म की मां हैं, पैदा करने वाली तो पाप की मां कहलाती है। तुम बैठो, मैं अभी क्षण भर में आया। बिल्लेसुर गांव के बनिए के यहां गए, पाव भर शकर ली,
लौटकर बकरी के दूध में शक्कर मिलाकर लोटा भरकर खटोले के सिरहाने रखा। गिलास में पानी लेकर कहा, लो अम्मा कुल्ला कर डालो, हाथ पैर धोने हो तो डोल में पानी रखा है, बैठे बैठे गिलास से लेकर दो डालो। कहकर दूध वाला लोटा उठा लिया। मन्नी की सास ने हाथ पैर धोए, बिल्लेसुर लोटे से दूध डालने लगे। मन्नी की सास पीने लगी, पीकर कहा, बच्चा मैं बकरी का दूध ही पीती हूं, इससे बड़ा फायदा है, कुल लोगों की जड़ मर जाती है। शाम हो रही थी, आसमान साफ था, इमली के पेड़ पर चिड़ियां चहक रही थी। बिल्लेसुर ने आसमान की ओर देखा और कहा, अभी समय है अम्मा, तुम बैठो, मैं अभी आता हूं, बकरियों को देखे रहना, नहीं भीतर से दरवाजा बंद कर लो, आकर खोलवा लूंगा, यहां अम्मा बकरियों के चोर बड़े लागन हैं। बिल्लेसुर बाहर निकले, मन्नी की सास ने दरवाजा बंद कर लिया। सीधे खेत खेत होकर राम गुलाम काछी की बाड़ी में पहुंचे, तब तक राम गुलाम बाड़ी में थे। बिल्लेसुर ने पूछा, क्या है? राम गुलाम ने कहा, भांटे हैं करेले हैं, क्या चाहिए? बिल्लेसुर ने कहा, शेर भर भांटे दे दो, मुलायम मुलायम देना। राम गुलाम भांटे उतारने लगा। बिल्लेसुर खड़े बैंगन के पेड़ों की हरियाली देखते रहे। एक एक पेड़ ऐंठा खड़ा कह रहा था, दुनिया में हम अपना सानी नहीं रखते। राम गुलाम ने भांटे उतारकर तौल कर माल वाला पलड़ा काफी झुका दिखाते हुए बिल्लेसुर के अंगोछे में डाल दिए। बिल्लेसुर ने पहले अंगोछे में गांठ मारी, फिर टेंट से एक पैसा निकालकर हाथ बढ़ाए खड़े हुए राम गुलाम को दिया। राम गुलाम ने कहा, एक और लाओ। बिल्लेसुर मुस्कुराकर बोले, क्या गांव वालों से भी बाजार का भाव लोगे? राम गुलाम ने कहा, कौन रोज अंगोछा बढ़ाए रहते हो, आज मन चला होगा या कोई नातेदार आया होगा? बिल्लेसुर ने कहा, अच्छी बात है, कल ले लेना, इस वक्त नहीं है। बिल्लेसुर की तरकारी खाने की इच्छा होती थी तो चने भिगो देते थे, फिर तेल मसाले में तलकर रसेदार बना लेते थे। लौटते हुए मुरली कहार से कहा, कल पहर भर दिन चढ़ते हमें दो सिर सिंघाड़े दे जाना। फिर घर आकर दरवाजा खोलवाया, दिया जलाकर बकरियों को दुहा, सवेरे की काटी पत्तियां डाली और रसोई में रोटी बनाने गए। रोटी दाल भात बैंगन की भाजी आम का अचार बकरी का गरम दूध और शक्कर परोसकर पाटा डालकर पानी रखकर सास जी से कहा, अम्मा चलो भोजन कर लो। मन्नी की सास शर्माई हुई उठी, हाथ पैर धोकर चौके में जाकर प्रेम से भोजन करने लगी। खाते खाते पूछा, भैंस तो तुम्हारे है नहीं, लेकिन घी भैंस का जान पड़ता है। बिल्लेसुर ने कहा, गृहस्थी में भैंस का घी रखना ही पड़ता है, कोई आया गया, अपने काम में बकरी का घी ही लाता हूं। मन्नी की सास ने छककर भोजन किया, हाथ मुंह धोकर खटोले पर बैठी। बिल्लेसुर ने इलायची मसाले से निकाल कर दी, फिर स्वयं भोजन करने गए। बहुत दिनों बाद तृप्ति से भोजन करके पड़ोस से एक चारपाई मांग लाए, डालकर खटोले का टाट उठाकर अपनी चारपाई पर डाला और मन्नी की सास के लिए बंगाल से लाई रंगीन दरी बिछा दी। वहीं का गुरुआइन का पुरानी धोतियों को लपेट कर सिया तकिया लगा दिया। सास जी लेटीं,
आंखें मूंद कर बिल्ले सुर की बकरियों की बात सोचने लगी। जब बिल्ले सुर काछी के यहां गए थे, उन्होंने एक एक बकरी को अच्छी तरह देखा था, गिनकर आश्चर्य प्रकट किया था। इतनी बकरियों और बच्चों से 3 भैंस पालने के इतना मुनाफा हो सकता है, कुछ ज्यादा ही होगा। बिल्ले सुर धैर्य के प्रतीक थे। मन में उठने पर भी उन्होंने विवाह की बातचीत के लिए कोई इशारा भी नहीं किया। सोचा, आज थकी हैं, आराम कर लें, कल अपने आप बातचीत छेड़ेंगी, नहीं तो यहां सिर्फ मुंह दिखाने थोड़े ही आई हैं। बिल्ले सुर पड़े थे, एकाएक सुना खटोले से सिसकियां आ रही हैं। सांस को रोक कर पड़े सुनते रहे। सिसकियां धीरे धीरे गूंजने लगीं, फिर रोने की साफ आवाज उठने लगी। बिल्ले सुर के देवता कूच कर गए कि खा पीकर यह कारण करके रोना कैसा। जी धक से हुआ कि विवाह नहीं लगा, इसकी यह अग्र सूचना है। घबरा कर पूछा, क्यों अम्मा, रोती क्यों हो? मन्नी की सास ने रोते हुए कहा, न जाने किस देश में मेरी बिटिया को ले गए, जब से गए एक चिट्ठी भी न दी। बिल्ले सुर ने समझाया, अम्मा रो नहीं, भाभी बड़े मजे में हैं, मन्नी भैया उनकी बड़ी सेवा करते हैं, मैं जहां गया था मन्नी वहां से दूर हैं, हाल मिलते थे, लोग कहते थे अच्छी नौकरी लग गई है, उनका सारा मन भाभी पर लगा है, अब भाभी उतनी ही बड़ी नहीं है, लोग कहते थे बिल्ले सुर अब 2-3 साल में तुम्हारे भतीजा होगा। राम करे सुख से रहे, हमको तो धोखा दे गए बच्चे, हमारे और कौन था, जिस तरह दिन काटते हैं हमारी आत्मा जानती है, कहकर मन्नी की सास ने अघार कर सांस छोड़ी। बिल्ले सुर ने कहा, जैसे मन्नी वैसे मैं, तुम यहां रहो, खाने की यहां कोई तकलीफ नहीं, मुझे भी बनी बनाई 2 रोटियां मिल जाएंगी। मन्नी की सास बहुत प्रसन्न हुई, कहा, बच्चा फूलो फलो तुम्हारा तो आसरा ही है, अब के आई हूं तो कुछ दिन रहकर जाऊंगी, तुम्हारा कामकाज यहां का देख लूं, ब्याह एक लगा है, हो गया तो उसे तुम्हारी गृहस्थी समझा दूं। बिल्ले सुर पौरुष में जगकर बोले, इससे अच्छी बात और क्या होगी। मन्नी की सास ने कहा, बच्चा अब तक नहीं कहा था, सोचा था जब काम से छुट्टी पा जाओगे तब कहूंगी, ब्याह एक ठीक है, लड़की तुम्हारे लायक सयानी है, लेकिन हमारी बिटिया की तरह गोरी नहीं, भले मानुष है, घर का कामकाज संभाल लेगी, बताओ राजी हो? बिल्ले सुर भक्ति भाव से बोले, आप जाने, आप राजी हैं तो मैं भी हूं। मन्नी की सास प्रसन्न हुई, कहा, ठीक है कर लो, उसको भी तुम्हारे साथ तकलीफ ना होगी, थोड़ी सी मदद उसकी मां की तुम्हें करती रहनी पड़ेगी, ब्याह से पहले बहुत नहीं 30 रुपए दे दो, गरीब है कर्जदार है, फिर कुछ कुछ देते रहना, उसके भी और कोई नहीं, मैं लड़की को तुम्हारे यहां ले आऊंगी, यहीं विवाह कर लो, बारात उसके यहां ले जाओगे तो कुल खर्चा देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा खर्चा बैठेगा, घर में अपने 4 नातेदार बुलाकर ब्याह कर लोगे, भले भले पार लग जाओगे। बिल्ले सुर को मालूम दिया इस जवान में छल नहीं, कहा, हां बड़ी नेक सलाह है। मन्नी की सास कई रोज रही, बिल्ले सुर को बना बनाया खाने को मिला, 3-4 दिन में रंग बदल गया, उन्होंने आग्रह किया कि ब्याह तक वे यहीं रहें, मन्नी की सास ने भी स्वीकार कर लिया।
गांव में बिल्ली सुर की चर्चा ने जोर मारा। एक दिन त्रिलोचन ने मन्नी की सास को घेरा और पूछा, बताओ ब्याह कहां रचा रही हो? मन्नी की सास ने कहा, अपनी नातेदारी में। त्रिलोचन ने पूछा, वह कहां है? मन्नी की सास ने आंखें नचाकर पूछा, क्यों, क्या बिल्लेसुर तुम ही हो? उसके बाद बोली, बच्चे मेरी निगाह साफ है, मुझे तींगुर नहीं लगता। अब तुम बताओ कि तुम बिल्लेसुर के कौन हो? बल्ली नहीं लगी। त्रिलोचन बहुत कटे, कहा, अच्छी बात है, कौन है यह तब बताएंगे जब उनका पानी बंद होगा। मन्नी की सास ने कहा, नाते रिश्तेदार जिसके साथ हैं उसका पानी परमात्मा नहीं बंद कर सकते। अच्छा, हमारे घर से बाहर निकलो और गांव में पानी बंद करो चलकर। त्रिलोचन खिसियाए हुए घर से बाहर निकल गए। बड़े आनंद से दिन कट रहे थे। बिल्ले सुर की शकरकंद खूब बैठी थी। कई रोज उन्होंने मन्नी की सास को शकरकंद भूनकर बकरी के दूध में खिलाया। मन्नी की सास मन्नी से जितना अप्रसन्न थी, बिल्ले सुर से उतना ही प्रसन्न हुई। उन्होंने बिल्ले सुर के उजड़े बाग का एक एक पेड़, शकरकंद के खेत की एक एक लता देखी। उनके आ जाने से ताकने के लिए बिल्लेसुर रात को शकरकंद के खेत में रहने लगे। दो एक दिन जंगली सुअर लगे, दो तीन दिन कुछ कुछ चोर खोद कर ले गए। अभी बौड़ी पीली नहीं पड़ी थी। नुकसान होता देखकर मन्नी की सास ने कुल शकरकंद खोद लाने की सलाह दी। बिल्लेसुर ने वैसा ही किया। उन्होंने घर में ढेर लगाकर देखा, इतनी शकरकंद हुई है कि सारा घर भर गया है। एक एक शकरकंद जैसे लोड़ा। मन्नी की सास ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे तुम्हारा ब्याह भी हो जाएगा और काफी शकरकंद भी खाने को बच रहेगी। शकरकंदों को विश्वास की दृष्टि से देखते हुए बिल्ले सुर ने कहा, अम्मा सब तुम्हारा आशीर्वाद, नहीं तो मैं किस लायक हूं। सास ने सांस छोड़कर कहा, मेरा बच्चा जीता होता तो अब तक तुम्हारे इतना हुआ होता। खेती किसानी करता, मैं मारी मारी न फिरती। बिल्ले सुर ने उन्हें धीरज दिया, कहा, हम ही तुम्हारे लड़के हैं, तुम कैसी भी चिंता ना करो। मेरी जब तक सांस चलती है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, जीना छोटा करो। सास ने आंचल से आंसू पोछे। बिल्ले सुर दूसरे गांव की तरफ शकरकंदों का खरीदार लगाने चले। सोचा, बकरियों के लिए लौटकर पत्ते काटूंगा। दूसरे दिन खरीदार आया और 70 रुपए की बिल्ले सुर ने शकरकंद बेची। सारे गांव में तहलका मच गया, लोग सिहाने लगे। अगले साल सब ने शकरकंद लगाने की ठानी। उपन्यास का नाम बिल्लेसुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।